भारत में कोरोना के केसेस रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आप जानते हैं। और बच्चे बच्चे को पता है कि मास्क लगाना चाहिए। छोटे से बच्चे को भी पूछो कि मास्क क्यों लगाए हो बेटा, तो वो भी बड़े प्यार से बोलता है कोरोना से बचने के लिए। फिर भी लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आप सब, आपके परिजन और इर्द गिर्द के लोग इस संक्रमण को फैलने से बचा सकते हैं। मास्क लगाना है सबको पता चल चुका है, हैंड हाइजीन पता चल चुका है, लेकिन जिस तरह से लोग जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं उसका एग्जांपल मैं देता हूं। मेरे क्लिनिक के भीतर जब लोग आते हैं और उनमें से 100 में से 80% लोग जो हैं वह मास्क लगा कर आते हैं, लेकिन जैसे ही कमरे में एंटर करते हैं मेरे और मेरे से कुछ बात बताना शुरू करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, तो मास्क को नीचे कर लेते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि कोरोना सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है तो बात करने से, हंसने से। छींक खांसी तो बहुत कम लोगों को होगी ना, पास में रह के बात करने और पास में रह के हंसने से फैलता है। तो बहुत पास आकर बात करना या मास्क को नीचे करके मास्क करना आपको दूसरे को संक्रमण आप पहुंचा सकते हैं और खुद भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मास्क लगाते समय आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा कर रहा हो तो उसे पोलाइटली कह दें। जब मैं कहता हूँ पोलाइटली तो उनमें से कुछ लोगों के चेहरा उतर जाता है, मतलब उनको लगता है, बुरा भी लगता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना लोगों को कि मास्क का मतलब तभी तो है जब आप दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट आपने खुद अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को गौर किया होगा, ऐसा देखा होगा, या आप खुद भी ऐसा हो सकता है जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं गलती कर चुके होंगे कि जब आप मास्क जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे आवाज़ या मेरे एक्सप्रेशन सामने वाले को नहीं पहुँच रहे, इसलिए आप उसको नीचे कर लेते हैं। कभी कभी डॉक्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए लोग चेहरा नीचे करके दिखाने लगते हैं, और ये बहुत पढ़े हुए लोग भी कर रहे होते हैं ऐसा। इवन मैंने तो मेडिकल रैप्स तक को देखा है जो कि जिन्हें इतना सिखाया जाता है इसके विषय में। तो इस गलती को ठीक कर लीजिए। दूसरी गलती, दूसरे तरह का एक जो ग्रुप है वह यह है कि मेरे पास एक मेरे मित्र का व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उनका कहना था कि एक मेरे जानकार हैं जो कि रात रात भर सो नहीं रहे हैं और वो सुसाइड की बातें कर रहे हैं और प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। तो मैंने उनको लिखा कि उन्हें फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। तो उन्होंने मुझे लिखा कि जो कैसे वो कोरोना के मौसम में किसी डॉक्टर के पास जाएं, कोरोना लग सकता है। तो आप समझ रहे हैं क्या बता रहा हूँ। दूसरी गलती यह है कि आप पर कोई दूसरी समस्या भी आपके शरीर में आ गई है, कोई दूसरी बीमारी से आप पीड़ित हैं, इसके बावजूद आप डॉक्टरी हेल्प नहीं ले रहे हैं, और जो कि हो सकता है कि जहाँ पर ज़रूरत हो डॉक्टरी हेल्प की। इस तरह से मैंने एक केस की मृत्यु देखी अपने नोन में, जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी और उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई थी। किडनी सीरम क्रिएटिनिन बढ़ते जा रहा था, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गए और अल्टीमेटली गए और वेंटिलेटर पर गए, और कोविड नहीं था लेकिन क्योंकि देर से गए इसलिए प्रॉब्लम हुई। तो ये दो गलतियों को ठीक कीजिए। यदि कोई एलिमेंट है तो प्रिकॉशन के साथ जाइए डॉक्टर्स के पास, प्रॉपर मास्क वगैरह पहन कर जाइए, और डॉक्टर्स को भी ये पता है कि कैसे आपको बिना संक्रमित होने के खतरा में डाले हुए आपको देखा जाए। ठीक है, कई बार डॉक्टर्स बिना छुए भी जस्ट हिस्ट्री लेकर भी एग्जामिन कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन मीडियम्स जो हैं जैसे प्रैक्टो है, डोकॉन है, इनसे आप कंसल्ट कीजिए, बट अपनी हेल्थ एलिमेंट्स को ऐसे ही मत छोड़िए। और उससे पहला जो इससे आप हज़ारों लोग हम लोग बच सकते हैं, लाखों लोग बच सकते हैं, वह है कि मास्क या तो पहन रहे हैं तो ढंग से पहनिए। फिर मास्क को कई लोग एक ही मास्क को चार चार दिन तक पहन रहे हैं और धो तक नहीं रहे। भैया ऐसा नहीं करना है आपका, आप भले नॉर्मल कपड़ा नॉर्मल गमछे से लपेटिए, बल साफ रहना चाहिए, धोना ज़रूरी है, या तो डिस्पोजेबल यूज़ करें। हम लोग डिस्पोजेबल यूज़ कर सकते हैं करते हैं क्योंकि डिस्पोजेबल महंगे पड़ जाएंगे, बार बार यूज़ करना बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। तो आप नॉर्मल कपड़े के मास्क बनवा लीजिए और उनको बारी बारी से धोकर यूज़ कीजिए, धोकर और सुखाकर। ये था मेरा मैसेज। मैं हूँ डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, मैं सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ और एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ, और ऑलरेडी मेरी टीम जो है मेडिकल कॉलेज में, हम लोग कोरोना पेशेंट्स को मेरे जो जूनियर्स हैं वो वहाँ पोस्टेड हैं वार्ड्स में और बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह की गलती ना कीजिए। मीटिंग से भी जो फैलता है वो इसलिए फैलता है, मीटिंग्स में लोग बैठ जाते हैं और मास्क को नीचे करके बात कर रहे होते हैं। बात करने से सबसे ज़्यादा फैलता है। हम सबकी जानकारी में कि छींकों से और खांसी से फैलता है, मैं कहूँगा बात करने से फैलता है, पास में रह के। इसी वजह से जितने भी जो एक रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं
एक समूह में, या शादियां होती हैं आप देखें वहां वहां पर ज़्यादा फैला है, या एक ही रूम में बहुत लोग बंद हैं बहुत दिन से तक, कोई फंक्शन कर रहे हैं, रत जगह कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मतलब इस तरह के जितने भी जहां पर बहुत लोग एक साथ गैदर्ड हैं वहां पर आप देखें वहां से ज़्यादा फैलता है, शादियां कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कहना चाहूँगा यू तो शेयर वेयर लाइक वेयर के लिए कभी नहीं कहता, इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और लोगों को पता नहीं है। तो आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको जो लगे कि ये ऐसी गलती कर रहा है मेरा परिजन या दोस्त और आपको बोलने में संकोच होता है उसको ये वीडियो भेज दीजिए, वो समझ जाएगा।